अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेश, और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग एंड जॉब्स अपडेट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो। मैंने उसमें जितनी भी हमारे पास प्रोसेस होता है उसका, यानी कि अप टू डेट होती है, वो मैं आपको इस चैनल पर बताता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल का ओवरव्यू करें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि इसमें मैंने ऑनलाइन अर्निंग की जितनी वेबसाइट है उनके बारे में बताया, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो वेबसाइट्स होती हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर से कोई जॉब्स आई हैं या प्राइवेट सेक्टर से आई हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, कंप्लीट गाइड करता हूँ कि हम लोगों ने कैसे करना है, और सिंपल तरीके के साथ बताता हूँ। तो यार, वीडियो जब आप लोग देखते हो तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बंदा मिस कर जाए तो बाद में जो पता नहीं चलता कि मैं इसमें करना क्या था क्या नहीं करना। सो इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि आप लोग जो है ना वो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखा करें, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर किया करें। शेयर करने का इस वजह से हम लोग कहते हैं कि चलो क्या पता किस बंदे का भला हो जाए, कोई बंदा इस चीज़ के लायक हो कि उसको जॉब की ज़रूरत हो, वो इस चीज़ के लायक हो कि वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई करे और उसकी जॉब लग जाए। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपके सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि पंजाब पुलिस में आई हैं हमारे पास एसएससी की जॉब्स आई हैं, उसमें अप्लाई का तरीका मैंने बताया था, ऑनलाइन अप्लाई और कैसे अप्लाई करना, वो सारा प्रोसीजर वगैरह मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी यार, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो टीचर्स हैं जिन्होंने BS किया या MPhil किया या PhD किया, वो लोग अब अप्लाई कर सकते हैं टीचर्स के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स आ गई हैं, फेडरल बोर्ड की तरफ से जॉब्स हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ना वो इंटरव्यू होगा, आपका टेस्ट होगा, और इसमें आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। ये नहीं है कि फिज़िकल रजिस्ट्रेशन होगी, बिल्कुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। आप कंप्लीट डिटेल के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे एडवर्टाइज नज़र आ रहा होगी, फेडरल पंजाब सर्विस कमीशन की तरफ से ये जॉब है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, ये सारा कुछ प्रोसीजर वगैरह बताया, यहाँ पे बताना आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं आपको वेबसाइट पे जाके प्रॉपर डिटेल के साथ बताऊंगा कि हमारे पास कितनी कितनी जो है ना वैकेंसीज आई हैं और हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इधर आ जाना अपने गूगल क्रोम पर। आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है टूडे डेली जॉब्स, आप लोगों ने इस चीज़ को डिटेल के साथ देख लेना, यानी कि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना होना तो आपके सामने कोई अदर वेबसाइट्स आएंगी। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। आप लोग जैसे इस पे आएंगे, ये फर्स्ट वाली है टुडे ऑल जॉब्स, आपने इस पर क्लिक करना है तो वो आपको इस जगह पर ले जाएगा। ये अभी रिसेंटली रेंजर के इस पर सुबह इंशाल्लाह ताला वीडियो मैं अपलोड करूँगा बना के। ये हमारे पास आ गया FPSC की जॉब्स हैं, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इस पर राइट क्लिक कर लें, यानी कि इस पर क्लिक करने के बाद सेम आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जो अभी आप लोगों के सामने ये वाली हमारे पास शो हो गई है। इस पर आप लोगों को मैं एक छोटा सा इसका जो है ना वो ओवरव्यू करवा देता हूँ इस वेबसाइट का, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें काम क्या है। देखिए, ये वेबसाइट बनी हुई है, इसमें आपको प्रॉपर डिटेल के साथ हर चीज़ बताई गई है कि कैसे कैसे हम लोगों ने अप्लाई करना है, किस तरह से, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। यानी कि वेबसाइट का मकसद क्या होता है कि आप लोगों को वहाँ पे कंप्लीट डिटेल के साथ बताया गया। ये नहीं है कि ये अभी एडवर्टाइजमेंट लगी है सिंध पुलिस हेड की, ये लग गई है, अब इसका ये नहीं पता कि हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, वो सारा प्रोसीजर वगैरह क्या है, कैसे नहीं करना। सेम इसी तरह से आजकल यानी कि वीडियोज़ जो लोग बनाते हैं यूट्यूब पर, उनका भी सेम यही प्रोसीजर वगैरह, कोई चीज़ डिटेल के साथ नहीं बताते, वो सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसको पढ़ी जाना वो काम करता है। यार, प्रॉपर डिस्प्ले तो करो, लोगों को बताओ तो सही आप उन लोगों ने करना क्या। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी, चाहे मैंने अप्लाई नहीं करना बट आपको इतना गाइड कर दूंगा कि आप वो उतना प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग खुद ब खुद कर सकते हैं।
यहाँ पे आप लोग आगे इस पे नेक्स्ट हम लोगों ने इधर आ जाना, ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है, पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। महाना तनख्वाह उन्होंने 60,000 से 1.5 लाख बताई, तकरीबन लेक्चरर की इतनी होती है, जो हम लोगों को अगर सीटीए बंदा रखे तो उसकी आजकल 45 से 46,000 रुपया पे है। ये इसमें सबसे पहले इसका मैं आपको बता दूँ, ये टाइटल है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जॉब नेम है और एडवर्टाइजमेंट है। ये सारा कुछ यही खूबसूरती है एक वेबसाइट की कि हम लोगों को वो बता कर रहे हैं। अभी नीचे आ जाते हैं, ये पोस्ट 5 मई को आई है हमारे पास, इंटरव्यू डेट 20 मई 2024 और डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग, यानी कि ग्रेजुएशन जिन बंदों ने किया आपका इस्लामाबाद में है, लोकेशन इस्लामाबाद है, बैचलर या मास्टर। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद एज लिमिट है हमारे पास 18 से 30 साल, 18 तो नहीं बिल्फर्ज होती, यानी कि 25 तक बंदा जो है ना वो अपना बैचलर कर लेता है या 24 तक कर लेता है। बाकी इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन दी है, परमानेंट जॉब है आपकी दी न्यूज़ में, ये न्यूज़पेपर में आई है। ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि फेडरल बोर्ड की जो है, ये सारा कुछ इसमें। अभी मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास जो पोस्ट है ना 16वें स्केल की है, हमारे पास 315 बॉयज़ की, यानी कि मर्दों की है, मर्द हजरात की हैं। इसमें बायो, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक, मैथमेटिक्स, पाक स्टडी, फिर इसके अलावा हमारे पास फिजिक्स उर्दू में है। आप लोग किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप लोगों ने डिग्री की हुई। और नेक्स्ट हमारे पास 11 जो पोस्ट हैं वो हमारे पास यानी कि 16वें स्केल के फीमेल की हैं, बायो में है, केमिस्ट्री में है, हिस्ट्री में, मैथ, फिजिक्स और उर्दू में। ये आपको बताने के बाद यहाँ से आप लोग अपनी सीवी को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना और आपको उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे सीवीज बनती हैं। हो टू अप्लाई, अप्लाई हम लोगों ने कैसे करना है, फॉर अप्लाई ऑनलाइन होगा इसमें अप्लाई, फिल ऑन दी सबमिट आफ्टर द डिपॉजिट चलान, यानी कि इसमें आप लोगों को फ़ीस पे करना पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितनी फ़ीस करनी है, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ये उन्होंने बताया लास्ट डेट जो है ना 20 मई 2024 है। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, डू नॉट बैंक एनी बॉक्स बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म एज डिपॉजिट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान डाउनलोड चलान, यानी कि नेशनल बैंक में हम लोगों ने इसको जो है ना वो डिपॉजिट करना है, किसी और बैंक में नहीं करना। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है FPSC वेबसाइट, अप्लाई का जो तरीका उन्होंने बताया इसमें, अप्लाइड फॉर द पोस्ट NOC फ्रॉम पेरेंट डिपार्टमेंट, ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट कैन कॉल द इंटरव्यू। इंटरव्यू और टेस्ट का भी अलहदा अलहदा से डेट्स होंगी, पहले आपने टेस्ट दे के आना, फिर उसके बाद आप लोगों ने इसमें दूसरी करनी है, यानी कि अपनी इंटरव्यू होगा। इसके बाद नीचे ये आपको एडवर्टाइजमेंट मैंने बता दिया, अप्लाई कैसे करना, आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक करना और आपके सामने कुछ हिस्सा से वेबसाइट आएगी। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की है, अगर आप किसी सामी के लिए अहल या दरख्वास्त देना चाहते हैं तो आखिरी तरीक का इंतजार ना करें और फौरी अप्लाई करें। और अप्लाई का तरीका भी मैं अभी आपको प्रॉपर बताता हूँ। ये सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई, इस पर हम लोगों को क्लिक किया, ये हमारे पास आ गया। पहले आप लोगों ने यहाँ पे फीस अपलोड करनी है, चलान पे करना है, फिर उसके बाद आपका जो है ना वो सारा कुछ हो। जॉब हमारे पास अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जॉब्स का, ये देखें जो मैंने अभी बताई हैं, ट्रेंड टीचर्स की फीमेल्स की हैं, ये ऊपर मेल्स की हैं, आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना CNSE नंबर देना है, CNSE नंबर देने के बाद आप लोगों ने बैंक फी जिस दिन डिपॉजिट किया वो बता देना। फिर यहाँ पे आप लोगों ने प्लीज सेलेक्ट फ़ी, यानी कि आप लोगों की कितनी फ़ीस है, वो उधर 300 रुपया थी, हम लोगों ने यहाँ पे 300 सेलेक्ट कर लेना। ये देखें उन्होंने लिखा है 14 से 17 तक 300 रुपया फ़ीस। फिर बैंक नेम हमारे पास आ जाता है, नेशनल बैंक आ जाएगा ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद कोड आ जाएगा, बैंक का कोड जो भी होगा इधर वो हम लोगों ने यहाँ पे अपना ऐड कर देना है। फिर इसके बाद सेलेक्ट करना हम लोगों ने बैंक लोकेशन की, हमारा बैंक कहाँ पे है, मैं देखता हूँ इधर टोबा आता है कि नहीं। नहीं यार वो नहीं आ,
फिर आप लोगों ने ना यहाँ से देख लेना जो भी आपका बैंक कोड होगा और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हुई वहाँ से आप लोगों ने देख लेना। ये डिस्ट्रिक्ट लोकेशन बताइए आप लोगों ने, सेम वही नहीं जहाँ पे बैंक है वही। ये ऊपर टाइमर भी देख रहे हैं ना, ये टाइमर का भी ख्याल रखना, ये ना कि बाद में टाइमर ही गुम हो जाए और को पता ही ना चले कि जो भी आप लोगों ने किया वो सारा का सारा क्या हो जाए। यहाँ पे आप लोगों ने डोमिसाइल की जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, फिर डोमिसाइल आप लोगों ने बताना है कि आपका कौन सा है। फिर यहाँ पे आप लोगों के कुछ आएगा, जेंडर आएगी, आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, मेल फीमेल जो भी है, रिलीजन इस्लाम और नॉन इस्लाम होगा यहाँ पे वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। फिर डोमिसाइल यानी कि डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, टेस्ट सेंटर आपका हो जाएगा, ये सारे आपके साथ टेस्ट सेंटर हैं, ये आपके इंटरव्यू सेंटर हैं जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। फिर इसके अलावा आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या एडवर्टाइज किसी भी किस्म की हुई वो आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर नीचे आ जाता है डू यू प्रोसेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि तुम्हारे को कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, अगर है तो तुम इतने सेलेक्ट कर लेना, यस। फिर डेट ऑफ इशू ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट एलिजिबल पोस्ट, वो यानी कि जिस दिन आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना वो डेट आप लोगों ने लिख देनी। यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यस या नो पे आप लोगों ने क्लिक कर देना। ये कैप्चर फिल करने के बाद आप लोगों ने स्टेप टू पे आ जाना। स्टेप टू पे आने के बाद ये आप पीछे आ जाए तो ये देखें टेक प्रिंट आउट रिलेटिव टास्क, अगर आप लोग इस पर क्लिक करें ना यार, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया तो सो मेरी कोई भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं शो होगी। जब आप लोग अप्लाई कर लेंगे फिर आपकी जो सारा कुछ है ना वो आपको शो होगा, वो आपको यहाँ पे पूछ लेंगे आपका CNSE नंबर क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNSE नंबर देना है। अगर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो फिर आपको यहाँ पे आपका CNSE नंबर शो हो जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो फिर कहाँ से होने। फिर नेक्स्ट ये देखें CNSE नंबर, ट्रैकिंग ID, वो सारा कुछ। जब आप लोग इस स्टेप को प्रॉपर तरीके के साथ कंप्लीट कर लेंगे फिर वो सारा कुछ आपको शो होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, फीस फी लीला शेयर किया करें, और यार कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि हमें भी पता चल जाए कि हमारा चैनल में ग्रोथ हो रही है कि नहीं, लोग हमें लाइक करते भी हैं कि नहीं।